हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो पहले इसमें हमें ऑथर के बारे में बताया गया है। ऑथर का नाम है एनीस जंग, जिनका बर्थ हुआ था 1964 में रौरकेला में, और उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है और उसके बाद का काफ़ी सारा टाइम हैदराबाद में स्पेंड किया था। उनकी एजुकेशन हैदराबाद में हुई थी और कुछ यूएसए में हुई थी। उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर्स थे, और एनीस जो जंग थे उन्होंने अपना जो राइटिंग करियर है वो स्टार्ट इंडिया में किया था, और वो एडिटर भी रही हैं और कॉलमनिस्ट भी रही हैं काफ़ी सारे बड़े न्यूज़पेपर्स की, इंडिया में और अब्रॉड में भी। और उनकी ही एक स्टोरी में से ये लिया गया है, जिसका टाइटल है जिस बुक का, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो हमारा चैप्टर है ये उन्हीं की एक बुक से लिया गया है। तो वो जो हैं वो कंडेम करती हैं ट्रेडिशंस को, जो मतलब यहाँ पे इंडिया में है पॉवर्टी को लेकर के, और जो चिल्ड्रन की लाइफ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। फिर इसमें दो स्टोरीज़ हैं इस चैप्टर में, तो पहली से स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। तो जो ऑथर हैं वो बताती हैं उनके नेबरहुड की स्टोरी, जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब। वो डेली गार्बेज मतलब कूड़े में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि वो इसमें से गोल्ड ढूंढ रहा है। अब गोल्ड उस बच्चे के लिए क्या है? गोल्ड कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो बेच के कुछ पैसे कमा सके। कई बार उसे कोई सिक्का मिल जाता था, कई बार कोई कुछ पैसे भी मिल जाते थे, तो वही उसके लिए गोल्ड मतलब सोना था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी। तो जो साहिब था उसने बहुत टाइम पहले अपना जो उसका एक्चुअल घर था वो छोड़ दिया था, जो कि था ढाका में, जहाँ पे उनके ढाका जो अभी बांग्लादेश की कैपिटल है वहाँ पे पहले वो जो साहिब था जो बच्चा था वहाँ पे रहता था। और ढाका में उनके बहुत अच्छे हरे खेत थे, मगर उनको वो छोड़कर आ गए थे कई सारे रीजन्स थे, जिसमें से एक था कि स्टॉर्म आ गया था। स्टॉर्म मतलब काफ़ी भयंकर तूफान आ गया था, जिनकी वजह से उनको अपना घर छोड़ के आना पड़ा था। ये जो है साहेब ऑथर को बता रहा है कि उनकी मदर ने उनको ऐसा बताया है कि वो ढाका से इसलिए आ गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ। और फिर वो बताते हैं कि इसीलिए वो यहाँ पे बड़ी सिटी में रहते हैं गोल्ड की तलाश में, मतलब कि उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए इसके लिए वो बड़े शहर में आए थे जहाँ पर अब वो रहते हैं। फिर वो कहता है धीरे से कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है काम करने के लिए। तो फिर ऑथर कहती हैं कि स्कूल जाओ, मतलब धीरे से वो ऐसा बोलती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा सकते, स्कूल जाओ अगर ऐसा ही कुछ नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। तो फिर वो बोलता है जो साहेब होता है कि मेरे जो नेबरहुड में मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब अगर वहाँ पे कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल भी चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम आई आस्क हाफ जोकिंग। फिर ऑथर उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे नेबरहुड में कोई स्कूल को स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे? तो जो साहिब होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ दिनों बाद ऑथर उसको फिर से देखती हैं, और उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। वो पूछता है ऑथर से कि क्या आपका स्कूल जो है वो बन करके तैयार हो गया है? फिर ऑथर बोलती हैं कि स्कूल बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्बेरस होकर ये चीज़ बोलती है, क्योंकि उन्होंने तो मजाक में झूठ ही बोला होता है, मगर जो ऑथर नहीं तो मजाक किया होता है, मगर जो वो बच्चा था जिसका नाम साहेब था उसको ये बात समझ में नहीं आती है। और उसके मतलब उससे इतने सारे प्रॉमिसेस लोग करते हैं जो ज़्यादातर झूठे ही साबित होते हैं, तो उनमें से ये भी एक झूठा ही प्रॉमिस था। और कुछ आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज़ नेम। तो जो ऑथर थी उन्होंने कुछ जब उनसे मिलने लगी थी जो वो बच्चा था उससे मिलने के काफ़ी टाइम बाद साहेब से उसका नाम पूछा था, तो उसने नाम बताया था साहिब आलम। तो इसका जो मतलब होता है साहिब आलम का, ये मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया का, पूरे जो ब्रह्मांड का मालिक था उसके नाम का मतलब, तो साहिब आलम। फिर जो ऑथर होते हैं कि मतलब बिलीव नहीं कर पाते हैं कि अगर वो बच्चा इसका मतलब जानेगा तो उसको भी बिलीव नहीं होगा कि जो उसकी अभी कंडीशन है वो कितना गरीब है, और उसका जो नाम है वो उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में है, साहिब आलम, पूरी दुनिया का शहनशाह या राजा आप कह सकते हैं। वो जो था वो घूमता रहता था सड़कों पे अपने फ्रेंड्स के साथ नंगे पांव, बेयर फुट का मतलब होता है बिना चप्पलों के, या फिर कह सकते हैं हम नंगे पांव। तो वो साहेब अपने फ्रेंड्स के साथ नंगे पांव सड़कों पे घूमता रहता था, और बर्ड्स के साथ
घूमता था, जैसे सुबह बर्ड्स आती थी ऐसे ही वो भी आता था, और बहुत टाइम तक वो घूमते रहते थे, फिर रात होते ही वो लोग चले जाते थे, इस टाइप से आगे बताया गया है। फिर कुछ लोग के पास चप्पल होती थी और कुछ के पास उनके फ्रेंड्स में चप्पल नहीं भी होती थी। वाई आर एंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो फिर जो ऑथर होती है वो साहिब के किसी एक फ्रेंड से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है, तो वो जवाब देता है कि मेरी मदर ने शेल्फ के सबसे ऊपर वो चप्पल रख दी है और वो उतारती नहीं है। इवन इफ शी डेड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर। तो फिर एक जो दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है अगर इसकी मम्मी उस शेल्फ से चप्पलें उतार भी देंगी तो भी उनको फेंक देगा, क्योंकि हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। वो मतलब जो बच्चा बोलता है उसने शूज़ पहने होते हैं जो उसकी ड्रेस से मैच नहीं करते हैं। वेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। फिर जब ऑथर उससे पूछती है जो उस बच्चे ने शूज़ पहने रखे होते हैं कि तुम्हारे जो शूज़ है तुम्हारी शर्ट से मैच नहीं करते हैं, तो वो बच्चा ऐसा कुछ बोलता नहीं है और अपने पैर इधर उधर घुमाने लगता है। फिर तीसरा वाला बच्चा तुरंत बोलता है कि मुझे भी शूज़ मतलब जूते चाहिए। तो वो जो बच्चा होता है उसने कभी भी लाइफ में उसको जूते नहीं मिले होते हैं, कभी उसने जूते नहीं पहने होते हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। फिर जो ऑथर होते हैं वो बोलते हैं कि पूरी जब वो कंट्री में घूमी तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा सिटी में गांव में जो रोड्स पे चल रहे थे नंगे पाँव। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और वो कहती हैं कि एक एक्सप्लेनेशन और इसकी एक मतलब ये भी कह सकते हैं, कहते हैं कुछ लोग एक्चुअल में कि ये तो हमारा कस्टम है, हम तो ऐसा करते ही हैं, हमारी परंपरा में है नंगे पाँव रहना, मगर ये जो है ये शायद एक खोखला झूठ ही है। आई वंडर इफ इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और वो कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो इतनी ख़राब हमारी जो कंडीशन है हमारे देश में गरीबी की उसको छुपाने का सिर्फ ये एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। वो बताता है कि उडुपी के कोई मैन होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि स्टोरी कि उनके जो फादर थे वो एक पुराने मंदिर में पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो जो पुजारी के बेटे थे वो कभी कभी रुक जाया करते थे मंदिर के पास, और वो मतलब भगवान से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रे किया करते थे कि उनको एक जूतों का पेयर मिल जाए, मतलब उनको जूते मिल जाएँ। और फिर 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल विच आई नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोल्यूशन। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। फिर जो ऑथर होती है वो उसके गाँव में जाती है जिस आदमी से वो मिली होती है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बाद, तो वो देखती है कि वो टेम्पल तो काफ़ी मतलब ख़राब हालत में आ गया होता है अब, और दीवार भी उसकी ख़राब हो गई होती है, मगर उसके पीछे एक नया पुजारी होता है, प्रीस्ट का मतलब पुजारी होता है। और जो मतलब वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर पड़ी होती है वहाँ पर एक बच्चा होता है अपना जो स्कूल से आके बैग रखता है, और उसने जूते और सॉक्स पहन रखे होते हैं। अराइव पेंटिंग एंड थ्रो इज़ बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और वो आता है और अपना बैग वहाँ पे रख देता है फोल्डिंग का जो बेड होता है वहाँ पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, लेट मी नेवर लूज देम द गॉडेस एंड ग्रांटेड इज पेयर। फिर वो जब उस बच्चे को शूज़ मिल जाते हैं जिसको जो ऑथर को स्टोरी बता रहा होता है कि वो कैसे भगवान से एक जूते मांगा करता था, फिर जब वो 30 साल बाद ऑथर उस जगह जाती है और प्रीस्ट का जो कोई और बेटा होता होगा नया जो प्रीस था उसके बेटे के पास शूज़ थे, तो फिर ऑथर को वो इंसान ये भी बताता है कि जब उसको शूज़ मिल गए थे तो भगवान से ये प्रे करते थे वो कि उनके शूज़ जो हैं वो कभी भी गुम ना हो, और शायद आज वो विश ग्रांट हो चुकी है और आज जो प्रीस्ट है वहाँ पर उनका बेटा उसके पास पेयर ऑफ शूज़ अवेलेबल हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। मगर प्रीस्ट के जो पंडित हैं उनके बेटों के पास तो आज जूते आ गए हैं, मगर जो रैग पिकर्स जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनके जो पड़ोस में हैं वो आज भी उनके पास जूते नहीं हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। फिर जो उनकी जान पहचान थी जो रैग पिकर्स थे उनसे वो उनको सीमापुरी पर ले गई जो कि दिल्ली के किनारे पे बसा हुआ है, और अगर मेटामॉर्फिकली कहें कि वो दिल्ली से थोड़ा सा ही बाहर है मगर अगर देखा जाए वास्तविक तौर पर तो वो दिल्ली की चकाचौंध से और दिल्ली की ज़िंदगी से वो कहीं ज़्यादा दूर है। वहाँ पर लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहेब उसी फैमिली में से एक है। सीमापुरी
बहुत ही मतलब ख़राब सी और अजीब सी जगह है, जो पहले तो खाली पड़ी रहती थी, मगर अब क्या है वहाँ पे मिट्टी के घर बने हुए हैं और तार की छत है वहाँ पे, टीन की छत है वहाँ पे। कोई भी वहाँ की सीवेज निकलने का, गंदगी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जो पानी है वो वहीं पे सड़ता रहता है, और लगभग वहाँ पे 10,000 कूड़ा इकट्ठा करने वालों के फैमिलीज़ रहती हैं। वो वहाँ पे लगभग 30 साल से ज़्यादा समय से रह रही है। उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है, उनके पास कोई परमिट भी नहीं है वहाँ रहने का, मगर उनके पास राशन कार्ड है, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है, और उस राशन कार्ड की वजह से उनको खाने के लिए अनाज मिल जाता है, और जो खाना है वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बजाय कि कोई एक उनको आइडेंटिटी मिले, उससे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाना खाना। एंड इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी अफन वी वुड रादर लिव देयर ऑन द फील्ड्स देन देट हैव नो ग्रेन्स। फिर वो कहते हैं आगे कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिना आइडेंटिटी के रहना एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें भरपेट खाना मिल सकता है, बजाय कि एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर हरे खेत तो हैं मगर खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। ये जो बात है ये कहती है एक औरत जो मतलब थोड़ी टैटर्ड साड़ी में बैठी हुई होती है, वो बात बताती है कि ब्यूटीफुल वहाँ पे जहाँ वो पहले रहते थे ढाका में, बहुत लैंड था, सुंदर लैंड था, रिवर बहती थी, मगर वहाँ पे खाने का दाना नहीं था, तो ऐसे घर से भी उन्हें क्या रह कैसे रह पाएंगे इस तरीके के घर में वो, इसलिए वो यहाँ दिल्ली में आ गए थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स फॉर सर्वाइवल्स। और फिर वो जहाँ पे वो टेंट्स में रहते थे सीमापुरी में, वहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे थे, एक दूसरे के साथ ही बन गए थे ज़िंदा रहने के लिए, और सर्वाइवल का मतलब था सीमापुरी में रैक पिकिंग, मतलब कूड़ा इकट्ठा करना, और साल लोग बीत गए थे, और वो शायद इस जो एक आर्ट थी रैक पिकिंग की, उसमें वो लोग काफ़ी माहिर हो गए थे, और जो कूड़ा गार्बेज था वो उनके लिए सोने के जैसा था, क्योंकि उसी की वजह से उनको अन्न का दाना मिलता था और अपने सर के ऊपर छत मिलती थी। अगर भले ही वो छत जो थी वो लीक करती थी, उसमें से पानी भी गिरता था, धूप भी आती थी, मगर वो उनके लिए काफ़ी था, क्योंकि उनका एक सर्वाइवल का इकलौता वो ज़रिया था। कभी कभी क्या होता था उनको वो जो रैग्स करते हुए कूड़ा उठाते हुए उनको 1 रुपए का सिक्का मिल जाता था, कई बार 10 रुपए भी मिल जाते थे, ऐसा साहिब बताता है ऑथर को, और ये बताते हुए उसकी आंखें चमक जाती हैं। फिर वो मतलब उनके लिए ऐसा था ये जैसे कि उन्हें कोई चांदी का या फिर सोने का सिक्का मिल गया हो उस कूड़े में, ऐसा लगता था जैसे बच्चों को एक मीनिंग, मतलब बच्चों के लिए कोई मीनिंग नहीं था उसको, उनके लिए सिर्फ एक मज़े की चीज़ थी कूड़े में से चीज़ें इकट्ठा करना, मगर उनके जो पेरेंट्स थे उनके लिए एक जिंदा रहने का एक जरिया था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट्स अ मीन ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सर्दियों के समय जो ऑथर थी उन्होंने देखा साहिब को खड़े हुए फेंस्ड गेट, मतलब जाली लगा हुआ जो गेट था वो किसका था, वो एक क्लब का था जिसके बाहर से बच्चे टेनिस क्लब का था, जिसको बच्चे बाहर से टेनिस का मैच देख रहे थे बाहर खड़े हुए। फिर वो बताता है साहेब कि उसको ये गेम जो है वो पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। वो ये कहता है कि जब कोई नहीं होता है तो मैं इसके अंदर भी चले जाता हूँ और इसमें जो झूला लगा हुआ है उस पर मैं जाके झूल लेता हूँ और गेट कीपर मुझे अंदर जाने देता है। साहेब ने भी जो पहन रखे थे जूते वो टेनिस शूज़ थे, जो कि अजीब लग रहे थे उसके कपड़ों के साथ, डिसकलर शर्ट और शॉर्ट्स के साथ, और किसी अमीर बच्चे ने शायद उसको दे दिए थे, क्योंकि उसमें उन जूतों में एक छोटा सा होल हो गया था जो किसी अमीर बच्चे के लिए पहनना मुमकिन नहीं था क्योंकि इसमें एक होल था, मगर साहिब जैसे बच्चे के लिए जो एक रैग पिकर है उसके लिए तो एक सपने जैसा था एक पेयर ऑफ शूज़, भले ही उसमें कोई छेद भी हो। उस फिर कुछ टाइम बाद जो है दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वो दूध के लेने जा रहा था, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कंटेनर। कुछ टाइम बाद जब ऑथर उससे साहेब से मिलते हैं तो अब साहेब थोड़ा उनको अलग सा लगता है, वो दूध लेने जा रहा होता है, उसके हाथ में मिल्क का कंटेनर होता है, और वो बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है। वो थोड़ा सा पॉइंट करता है कि थोड़े से डिस्टेंस पे एक टी स्टॉल है जिसमें उसको काम मिल गया है, महीने के उसको 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है, और बट क्या उसे अपनी जॉब पसंद थी, ऑथर ने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक। फिर ऑथर ने महसूस किया जो साहिब था उसके चेहरे पे से जो बिल्कुल अल्लड़पन, जो केयर फ्री होता है कि कोई चिंता नहीं है, मस्त वाली लाइफ होती है, वो उसके में नहीं रही थी, और जो स्टील का कंटेनर था वो ज़्यादा हैवी लग रहा था उसके प्लास्टिक बैग से जो वो पहले कैरी किया करता था जिसमें वो रैक पिकिंग करता था,
और उसके शोल्डर पे भी वो कंटेनर काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था। द कंटेनर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और वो जो कंटेनर था वो बिलोंग करता था उसको जो शॉप का ओनर था, मगर जो रैक पिकिंग का बैग था वो ओन करता था कौन, साहिब ओन करता था। अब साहिब खुद अपना मास्टर नहीं रह गया था। तो यहाँ पे ये वाली स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इसकी नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो थैंक यू सो मच।